सुनत नारी के रुदन को रघुवर कृपा निदान धीर बंदारि भांति से देन लगी स्त्रियान सुग्रीव सका को ही वायुष सब मृतक कर्म करवाया लक्ष्मण को पास भुला अपने समझायो वचन सुनाया है। जाओ पंपा पुर सका सहित ये काम सका करके आओ युवराज बनाओ अंगद को सुग्रीव को गदी बैठा हो भवन गया सुग्रीव निज रे छेल पर राम लक्ष्मण पूत लीला करे नाई सुधाम बीत गए ग्रीष्म ऋतु आया चतुर्मास वर्षा भी गई बीत प्रभु बोले हो निराश वर्षा बीती गई शरद आई सिद्धतातन सीता की पाही पाराज भूल सुग्रीव गया वह माया की है प्रभुताई जिस सहायक से बंदा था उसका भाई बालक हानु प्राण सुग्रीव के उस सहायक से काल रघुपति को जब क्रोधित देखा लक्ष्मण ने धनुष उठाया ब्रकुटी चढ़ाए दोनों लीने को यो वचन सुनाया हे नाथ आपने कष्ट करे सेवक यो वचन सुनाया है सब भुलवाऊंगा मान उसे कर धनुष और ये सहायक है। रघुपति बोले वह मित्र बना इस सबन के लायक है मैं वचन दे चुका हूँ उसको तेरा यहाँ वो सहायक है ले धनुष बाण को तेरे लक्ष्मण सिरे सदा सुमिर रघुराई है उतरे लक्ष्मण हनुमान ने कर विचार सुग्रीव को याद दिलाई है राजकृत बीते तुम्हें आज तिहारी साल वचन राम को जब दिया रान उसका ख्याल महलों में आप विलास करे वह कैद में कष्ट वह मन में कष्ट उठाते हैं पर राज भूल सब पाव गए जाके क्या दुख दुख पाते हैं। हनुमान के वचन सुने उपजा उर्मे ज्ञान भोला मेरा पवन सुत है भूलू नहीं है सास सोते से जगा दिया मैंने जीवन का दान दिया मुझको मैंने उऋण तेरा ये कर्ज हो कर अपना उऋण लिया मुझको बोले हनुमान ना देर करो महाराज काम इतना कीजिए कहने का मौका मिल जावे कुछ दे भेज दीजिए जल्दी से कुछ बुला दूत सुग्रीव कहा सीता को तुम ढूंढन जाओ 15 दिन के भीतर भी खबर बहुत जल्दी आओ जो आवा अवध बिना बिताए हैं सीता की खबर न लाओगे तो समझो ले निश्चय उनमें माँ करके मारे जाओगे सुनवाणी सुग्रीव की चले दूत सिर नाए उसी समय बरस दरबार में लक्ष्मण पहुँचे आए छारा तमोगुण सप्तन में तब भ्रकुटी बल थे पड़े हुए ज्वाला धरती तीन नैनों से देख दरबारी खड़े हुए बोले चढ़ाकर धनुष बाण इस पुर को अभी जला दूंगा तू किस गमन में भूल रहा सारा अभिमान बुला दूंगा सारे पुर में भय चाल मचा सुग्रीव देख घबराया अंगद सुनकर दौड़ा आया चरणों में शीश नवाया है कर जोड़े चन्मुख खड़ा करता अपने बहोर कहे क्षमा कर ते बड़े छोटे के लग गोर बालित ने की बिना सुने कुछ सहमे लक्ष्मण से आए अभय दान दे वहा गई लिया हृदय लगाए हनुमत सुनत संग तारा के दरबार मध्य में आया है चरणों में शिष नवा करके ये कर विनय बहुत समझाया है लक्ष्मण का क्रोध शांत करके कर तारा भूत महलों में आए हैं सत्कार किया भारी सबने दो चरण पलंग बैठाए हैं कुछ देर बाद आ गए कपिपति ने लक्ष्मण पद शीर्ष नवाया लज्जित तो हो नैन झुकाए लिए सास कर उसने सुनाया नाथ विषम जगत में दूजा मद कोई नाय सूर्णली ने मोह कर है एक ही छीन के माह कई कथा फिर सबका वहाँ तुरंत अंजनी पूत जिस प्रकार जहाँ जहाँ गए है सिय शुद्ध लेने दूध हनुमान सुग्रीव को ले अंगद पूत साथ गए हर्षयुत लखन वहाँ जहाँ बैठे थे रघुनाथ सुदे जिसने पंपापुर के सबके कपिदल संग्रह किया हर्षित अपार हो करमन में किसका किसकिदा कंद का रास्ता लिया युत में युत बानर दल के पंपापुर चौदसी सिंह आते हैं था कटक सुबट कुंजर समान रघुवीर देकर चाहते हैं कुछ लात न पूछी प्रभु ने ऐसा कई कोई नहीं रहा बहु रूप बनाए रघुवर ने सुग्रीव ने तब यो वचन कहा सीता जी के खोज को जाओ चारों ओर रामचंद्र का कहा जरूर भाई मोर ने और बापूपति की आज्ञा हमें कपि अपार रामचंद्र पद शीर्वा किया जय जयकार अपनी अपनी सब सेना को सेनापति हुक्म सुनाते हैं दुधाम धुरंधर वीर अंगद अपनी सेना सजवाते हैं जयकार नाद कियो अपार
सुधीर शमुख गिर थर्राया, साथ चले गए तब हनुमत ने रघुवर के चरण शिर आया। महिला परीक्षित निज भक्त जान आशीष दुर्योधन के मुद्री उतार कर दे से दीनी समझाया प्रभु कुलभूषण से ले वेदे की खबर जल्द आयो तात बिना जान की जान की या नहीं कुशलात ये देना ये मुद्री उसको जिससे पहचान तुम्हारी हो ले समझ दूत मेरा इससे भयभीत जान की दुलाई हो कपिपति है दक्षिण दिशा जाना भीलमा तुरंत जामवंत अंग से चल दिया हनुमंत वन उपन खोज सकल थर पर्वत से था जाए गिरिकंदर अंदर घुसे गिने धूप नहीं छाए आगे चल कर सुंदर बन आया जहाँ तपत तपस्या नारी थी सर सुंदर मंदिर उपन हुआ आवाज इसकी अति प्यारी थी सीता का पता पूछते हैं मिलकर उस तपस्वी नारी से सब कहा है अपने दुख को उस योगिनी पर उपकारी से सुनकर योगिनी ने दल के दो देना बंद कर आए हैं तब की शक्ति से योगी कपियों को सागर तट पर पहुंचाया है इस चरित्र को देखकर विस्मय करे अपार सागर तट पर बैठ कर करने लगे विचार अवध बीत सारी गई वह नहीं है प्रभु काज लौट जाए मारे अवसी सुग्रीव बानर राज संपाती एक गिद्ध वहाँ सुन इतनी गुप्तार निकला कंदरा से वह है वाह वाह करतार घबराया सब कपट सुनकर इसकी बात अंगदियों कहने लगा क्यों इतने अकुलात देखो एक गिदा जुटायु था जिसने निज जीवन सफल किया पर मारते तू देह त्यागी रघुवर ने सुर पर धाम दिया निज भाई का मन ना सुनकर संपाते दिल में घबराया नैनों से नीर जारे किया जारी आप बंधु कहाँ को चिल्लाया दई त्रियांजलि सिंधु तटे संपाते ने जाए फिर कपियों से इस तरह है कहने लगा समझाए गिरी त्रिकुट पर्व से लंकापुरी विचित्र तहाँ रावण तहाँ राज रावण करे आगे सुनो चरित्र दंडक वन से वो ही हर कर लाया था जनक दुलारी को रखा अशोक वाटिका बीच रघुवर की प्राण पिहारी को जो सज्जो जन सागर लांगे वह पता सिया का लाएगा उपकारी वह कहलाएगा इस दुनिया में कर गाएगा संपाति कह चल दिया कपि मन करे विचार कौन वीर अब करेगा सज्जो जन को पार मोहन साध बैठे रहे पवन तने हनुमंत जामवंत का अति चतुर कहने लगा तुरंत हे महावीर बजरंग बली तुम सब कपिदल के नायक हो क्यों बैठे बैठे हो चुप मोहन साध हम सबके तुम सहायक हो तुमने प्रभु के काज हित लिया जगता अवतार बाणी सुन वह पवन सुत हे पर्वताकार बोल लेकर सिंह नाद गर्जन जो कहो सिंधु को पी जाऊं यो कहो लंका को ग्रीष्मित सागर के बीच डुबाऊं जामत कहने लगा आयु जो जी राम वही काम केवल करो लाओ सीए पैगाम सुन जामंत के बेन पार हनुमंत सिंधु के पार जाएंगे आगे की कथा शोक वाटिका में कथा गाए सुनाएंगे।